वृक्षो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अरुणारुणकल्लोल करुणाकलिदात्मने हरानुग्रहरूपाय गुरवे कुसुमञ्जनि। कामक्रोधादि अखिल दोषमपास्य रामनामाक्षरा अमृतगणये हृदयं निषिञ्जन् यस्वादनुग्रहपथेन दिवं विवेश तं नीलकण्ठगुरुपादम् अनुस्मरामि। विग्रहे रामचन्द्रस्य विलयीभूतचेतसा अहं ब्रह्मेति वेदान्त तत्त्वबोधस्वरूपिणि विभूतिमात्रदानेन सर्वानुग्रहदायिनीं श्रीनीलकण्ठशिष्याय सत्यानन्दाय ते नमः। वैदेहीम् अभिवीक्ष्य जातकुलकं वामङ्गमां सेविनीं वामेन स्तनजूजुकम्बुलगिन वामं करेणामृशन् तत्त्वं दक्षिणपाणिना कलिदया तन्मुद्रया दर्शयन् रामो मारुति सेवितो यसतु मे साम्राज्य सिंहासने। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च देवकुमाराय हरायणाय हरायण 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 हरे कृष्णा जनार्दन गोविंद कृष्णा मुकुंद मुरारी भगवान अलखताई बाकी सब लोगों को मेरा प्रणाम। अभी सारा विश्व के अंदर कहां भी देखो आदमी दुखी है, बाहर जा नहीं सकता है, किसके साथ संबंध रख नहीं सकता है, इतना बहुत बड़ा कष्ट में हम लोग पड़ा हुआ है। अभी आदमी सोचते हैं मैं क्या करूं, रोज पेपर में और फेसबुक में सब आप देखते ही तो मालूम पड़ेगा, अरे एक कहाँ भी हो एक आदमी मर गया, दो आदमी मर गया। मैंने सबको सबके लिए प्रार्थना करने के लिए होते ही तो भी कम से कम कितना आदमी के लिए प्रार्थना करूँगा। और कोई टेलीफोन करता है स्वामी जी मेरा बच्चे को बीमार है, मेरा भाई को, मेरा माँ को, मेरा पिताजी को, उसको एडमिशन चाहिए, उसको क्या करने का है क्या नहीं करना है, किसको साथ बोलूँ, अस्पताल में जगह नहीं है, स्मशान में दही नहीं है, दवा तो मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारत विश्व के अंदर भारत में आदमी लोग कम मरते हैं, अभी हमारा इतना आबादी किसको भी नहीं है, इतना बहुत भाषा है, बहुत आचार है, बहुत धर्म का विचारधारा है, फिर भी हम लोग सारा विश्व के सामने बहुत अच्छी तरह
कोरोना को संभालता है, क्योंकि कोरोना को हम लोग दवा है हमारे पास, अस्पताल का फैसिलिटी ये सब बाकी सबसे अच्छा है, फिर भी हाथी के मुंह में चॉकलेट देते तो क्या उसका भूखा चले जाएगा? नहीं, बहुत मिलना चाहिए। एक ही है, अपने आप को संभालो, घर में बैठ के भगवान की प्रार्थना करो और अपना बाल बच्चे को कम से कम कुछ कहानी का तरीके से सब कुछ बताओ। भागवत है, रामायण है, अनेक प्रकार का, हमारा कोई धर्म के अंदर इतना धार्मिक किताब नहीं है, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसा नहीं है, लाखों। जब दुनिया हो गया है तभी से हमारा सनातन धर्म का आचरण है, उसका विचार है, ये सब है। इसलिए वो आप लोग सोच के बच्चा लोगों को ये सब बता देना, क्या हो गया हमारा देश के अंदर, हमारा धर्म बहुत हमसे बहुत दूर हो गया है। अनेक घर में देखो, पहले तो हम लोग क्या करते थे, सुबह उठ के माँ को नमस्कार करते थे, पिताजी को नमस्कार करते थे और पृथ्वी को नमस्कार करते थे। लेकिन आजकल एक घर में ज़्यादा आदमी नहीं है, 4-5 आदमी होगा, एक साथ बैठ के 10 मिनट कितना आदमी प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते ही बुलाएगा, ओ आई गॉट सम अपॉइंटमेंट, आई एम सॉरी, ऐसा बहुत करेंगे। लेकिन अभी सबको समय है, क्यों ऐसा हो गया? हम आचार से दूर हो गया, विचार से दूर हो गया, प्यार से दूर हो गया, हमारे लिए जो करने का है उससे दूर हो गया। अभी क्या है, अभी हम लोगों को वापस जाने का, कोई आदमी को देखते ही तो शेकहैंड करता नहीं, हगिंग करता नहीं, लेकिन क्या करता है, दूर से नमस्ते। सारा विश्व के अंदर अभी नमस्ते बहुत विशाल हो गया है, विराट स्वरूप भी हो गया है नमस्ते, क्योंकि इतना पवित्र है हमारा देश का संस्कार। हम दूसरे को मानते हैं, घर भी बाहर जाते ही तो नहा के धो के हम जाते हैं और वापस आते ही तो पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हफ्ते में एक दिन नहाएगा और कुछ स्प्रे करेंगे, कपड़ा में स्प्रे करेगा, हो गया, कपड़ा भी बराबर धोएगा नहीं है। अभी ये गंदा हाथ से शेकन देता है, और मेकअप किया है, एक मेकअप के लिए 10,000-15,000 देता है, वो मेकअप कम से कम 10 दिन 15 दिन मुंह में रहने का, मुंह धोएगा ही नहीं, और ये मैं उसका अनुसार क्या है, उसको चमड़ा फट गया और उसको ताकत नहीं है। इसलिए हम हमारा आचार विचार से बहुत दूर हो गया। अभी आप सोचेंगे ये स्वामी जी ये क्या बात करता है, ये देखो हम विश्व के अंदर, हमारे लिए भगवान दूर नहीं है, कहाँ है? अभी आप हाथ ऐसा करते तो क्या होता है, आपका आंख बंद हो जाता है, आप अंदर देखना शुरू होता है, तभी आपको मालूम पड़ेंगे बाहर का दुनिया एक राई का इतना है, आपका अंदर इससे भी बहुत बड़ा दुनिया है। इसलिए कहते हैं अपना ऋषि मुनि ने क्या है, अंदर मुखा समाराध्या बहिर्मुखा सुदर्लभा, अंदर देखते ही तो आपको बहुत कुछ देख सकता है। मैं आदमी लोग इधर आते हैं तो मैं पूछे, अरे बेटा ऐसा ये हिंदू धर्म का मेन ग्रंथ का नाम क्या है, वो बोलेगा ये तो रामायण है, भागवत है, वो है, ये है, सब वेद है करके एक % आदमी बताता नहीं, क्योंकि कोई मंदिर में जाते ही तो ये नहीं पूछेंगे, मंदिर में जाते ही तो हम लोग बोले ये भगवान मेरे लिए इतना 1,000 रुपया चाहिए, हमारे लिए ये खरीदने का है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, हम लोग वो ऐसा किया है, हमारे लिए ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, ये सब भगवान को देते हैं। सबको चाहिए क्या है, सब कुछ, हमने 10 नमस्कार किया, 10 दफे इधर आया, नारियल तोड़ा और ये दिया वो दिया, इसलिए हमको ये क्या धंधा है, नहीं है।
ईश्वर को हम लोग बजा देने का, हमको सुबह ये चाहिए, शाम को ये चाहिए, हमको कार ये टाइम का ये फलाना कार चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सब बताते हैं। भगवान को ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ है? दूर नहीं है, अंदर है। अंतर्यामी भगवान को हम लोग देखने के लिए है। हमारा ग्रंथ का नाम वेद है, इसलिए मैंने इधर एक वेद मंदिर भी बनाया है। कम से कम हमारा लोग ये अपना ग्रंथ को देखे, दूर से नमस्ते करो, पढ़ नहीं सकते तो नहीं, ऐसा देखो और नमस्ते करो। इतना बड़ा बृहत ग्रंथ दुनिया में नहीं है, वो अंधविश्वास नहीं है। आज हम लोग साइंस करते हैं, लेकिन हमारा धर्म के अंदर आप जाके देखिए, वो बहुत साइंस ही उधर बताता है, लेकिन हम लोग साइंस नहीं कहा, इसलिए वो जूना पुराना हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल सारा विश्व का आदमी भारत में आते हैं ये पढ़ने के लिए। इसलिए कम से कम ईश्वर कौन है? ईश्वर बहुत उधर है, ऊपर है, नीचे है, बड़ा है, छोटा है, नहीं है। ईश्वर माने वेद स्वरूपी। अगर वेद को एक रूप देते हैं तो वो ईश्वर है। ये क्या है वेद? वेद का रूप कैसे होते हैं? वेद माने नॉलेज, ज्ञान। ये ज्ञान को एक रूप देते ही तो एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक रूप है ईश्वर। अगर आपको ज्ञान नहीं होते तो माँ नहीं मिलेंगे। बाप और माँ, ये माँ है, ये पिताजी है, आपको कैसा मालूम पड़ा? ज्ञान है इसलिए। और ये मंदिर है, ये घर है, ये तालाब है, ये आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, ये सब आपको ज्ञान है इसलिए होते हैं। ये ज्ञान को कहते हैं वेद। और ईश्वर कौन? वेद स्वरूपी। ईश्वर माने एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। ये अरे नहीं, मेरा उधर मंदिर में जाते हैं तो ईश्वर नहीं। मंदिर में जाते हैं तो वो LKG UKG में बच्चे को पढ़ाते हैं ना, A for apple, B for balloon, ये ऐसा पढ़ता है। ये मंदिर है, ये विश्व को हम लोग एकदम छोटा करके और ये विश्व का सब कुछ है उसको भगवान में आके लिखते हैं। और एक एक नाम है। अभी हमारा शरीर में भी देखो, नाक है, मुंह है, बाल है, हाथ है, ये सब कुछ है। अभी पूछेंगे, हाँ तुम भगवान को देखा है? नहीं देखा है। अरे यार, भगवान को देखा भी नहीं है, फिर भगवान भगवान बोलते हैं क्यों? अच्छा, कोरोना को देखा है? नहीं, कोरोना को देखा नहीं है। हमारे पास, हम अभी रूम के अंदर बैठा है, इधर कोई नहीं है, इसलिए मास्क सब उधर रखा रखा हुआ है, शब्द बाहर नहीं आएगा, इसलिए हमने मास्क बाद में रखा हुआ है। ये कोरोना देखा नहीं है, वो कैसा पैदा हो गया है, उसका रूप कैसे है, उसको खाना कैसे होते हैं, उसको हत्या कैसा करेंगे, उसको कैसा हटाएंगे, कोई जानता है? नहीं, नो बड़ी नोस। फिर हमने एक नाम दिया कोरोना और COVID-19, और आ जाएगा वो COVID-18 होगा, कोई दूसरा नाम होगा, ऐसा आएंगे। फिर हम लोग बोलेंगे देखो ऐसा ही है। फिर अभी क्या कहते, कुछ ये नहीं, अपने खुद को संभालो, तुम दूसरा कुछ नहीं, बाहर जाओ मत, अंदर बैठो, अंदर बैठ के अंदर जाना, हमारे अंदर जाके ये देखना, सब कुछ मिलेगा। हम बहुत खाने का, पहले ऋषि मुनि ने बहुत कम खाते थे, लेकिन उनको ताकत थे। और गुफा मुखा अंदर बैठ के ये लोग सारा विश्व को अपने अंदर आता था, लाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, हम इधर उधर भागने लगे। अभी क्या चाहिए? प्यार नहीं है किसके साथ, पैसा चाहिए, धोखा दे वो, मार डालो, कुछ भी करो। और हम पॉलिटिक्स अनेक में खेलता है, दवा में खेलता है, अस्पताल में खेलता है, और रोगी में खेलता है, खाने में खेलता है। अच्छा खाना नहीं देंगे, अच्छा होटल नहीं चलाएगा, अच्छा दवा खाना नहीं चलाएगा, अच्छा दवा नहीं बनाएंगे, और अनेक चीज में माँ बाप के साथ अच्छी तरह नहीं रहेंगे, भाई भाई के साथ संबंध नहीं है। पहले ये भी रामायण में लव कुश ने वो खोड़े के बांधा, तभी
लड़ाई हो गया आपको मालूम है। अभी लव ने राम से पूछा, आप सब लोग बोलते हैं आप तो पुरुषोत्तम है, आप पुरुषोत्तम होते तो अपना पत्नी को क्यों जंगल में भेजा, बताओ ये क्या धर्म है। तभी उसने बोला ये राज धर्म है। हाँ राज धर्म ऐसा पत्नी को जंगल में भेजने का राज धर्म होता है? नहीं, राजा सब प्रजा का पिता है, राजा को और कोई नहीं, सब पिता है, सबका पिता है वो, इसलिए प्रजा का इष्ट के अनुसार आग्रह के अनुसार काम करना राजा का धर्म है। इसलिए मैं कुछ ये नहीं हुए उसको छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पूछो तभी मालूम पड़ेगा, ये इसलिए राज धर्म है। आजकल का राजा लोग कोई अपने प्रजा को अपना पुत्र समझता है? नहीं, अपना पुत्र अलग है, उसका पढ़ाई, उसका रहना, उसका व्यवहार, ये सब है, लेकिन बाकी वो मरने दो, झोपड़े में रहने दो, कोविड पकड़ने दो, अभी मालूम पड़ेगा। अभी ईश्वर ने हमको बताता है, देखो तुम अच्छा घर में रहने के टाइम झोपड़ा में जो रहता है उनके बारे में सोचते हो? नहीं, तुम अच्छा खाना खाता है दूसरे को खाना नहीं मिलता है तुम सोचते हो? नहीं, दूसरे को अस्पताल जाने का नहीं, दवा नहीं मिलता है सोचते हो? नहीं, अपना बैंक में भरते रहता है लेकिन कोविड पकड़ते तो पैसा कुछ काम नहीं करेंगे, आदमी नहीं मिलता है, कोई नहीं आएगा, टच नहीं करेगा, मरते है तो मुर्दे को किसको भी लेने के लिए भी तैयार नहीं है, बोलेगा माँ बाप मर जाते तो बाहर रखेगा, वो उसको म्युनिसिपालिटी वाला आके लेकर जाना चाहिए, कैसा भी ये करो लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा प्राण बहुत प्यारा है, तुम्हारा पैसा पैसा नहीं मांगता है, और घर घर नहीं मांगता है, और कुछ वो भी नहीं मांगता है, फिर चाहिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको जरा ब्रीथिंग चाहिए, ये कहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए जितना प्यारा है तुम वो सब छोड़ दिया। अभी इसे मौका है, ये समय पर आप लोग भागवत का पारायण क्यों करता है? हम भगवान ने दशावतार लिखा, हमारा अलकाताई ने बहुत अच्छी तरह आपको बताया, बहुत हमने भागवत पारायण इधर क्यों करता है, इधर हमने अचानक श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया जंगल में है, आप लोग कभी इसके बाद आ जाना, अभी नहीं आना, बाद आ जाना, ये जंगल के अंदर कम से कम 25 मंदिर है। क्यों इतना करता है? जो आदमी कोई देवी को पूजा करेगा, कोई राम को, कोई हनुमान जी को, कोई शिव को, कोई किसको भी पूजा करो, उसको कोई रोकता नहीं, करो किसको भी, उसके लिए इधर है एक एक मंदिर, एक एक आदमी का लाइफ को आगे बढ़ने के लिए एक स्थान है, यह है। और भागवत सप्ताह इसलिए वो श्री कृष्ण मंदिर में भागवत सप्ताह हम शुरू कर दिया, गया 100 बरस से हमारा मेन आश्रम केरला में है, मेरा गुरु का नाम है जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज, स्वामी जी अभी शरीर छोड़ा है, लेकिन 100 बरस से हमारा आश्रम में रोज पूरा रामायण पढ़ते हैं, और इधर श्री कृष्ण का मंदिर भी बनाया, हमने सोचा भागवत भी चालू करेंगे। भागवत कैसे हैं? हर एक महीना में लास्ट वीक एक हफ्ता भागवत सप्ताह के लिए, वो कैसा है, मलयालम से लेके हर एक भाषा में, हिंदी में, मराठी में, और तमिल में, संस्कृत में, सब भाषा में, हम जितना भाषा में हम लोगों को भागवत के बारे में कर एक पढ़ सकता है, उसका बोल सकता है, उनको सबके अंदर आमंत्रण करके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सबको मालूम पड़ने का है, ये चर्चा अनेक प्रकार, तभी हम एक है, अनेक भाषा में एक ही कहानी बताता है, श्री कृष्ण का नाम सुनते ही तो कन्याकुमारी से काश्मीर और गुजरात से बंगाल सब आदमी को कृष्ण को मालूम है। वो टाइम इंटरनेट नहीं था, अभी हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत तकलीफ है, और अभी आपके साथ बात करने में भी हम डरता है कि कभी बंद हो जाएगा, हमारा अलकाताई का बात सुनने के लिए हम भी बैठा हुआ है, लेकिन उसके बीच में चोरी करके हम इतना बताता है, आपके साथ बहुत बात करने का है, अभी आप लोग भी ये हमारा ये
ये कष्ट का समय जाने के बाद आप लोग आ जाना, तभी घर में बैठ के ना सबको आमंत्रण है, इधर सबको बैठ 5,000 आदमी को बैठने के लिए हाल है, नैमिषारण्य हाल है, सत्यानंद सरस्वती हाल है, वैकुंठ हाल है, अच्छा नदी है आपको सब, रामेश्वरम है, अयोध्या है, काशी है, ये ऐसा थाम भी बना के रखा है, इतना बड़ा थाम थूम से नहीं, छोटा सबसे छोटा कृष्ण मंदिर भी दुनिया से सबसे छोटा कृष्ण मंदिर, लेकिन वहां क्या होता है, अनेक भाषा का भागवत का चर्चा होना। फिर क्या है, रुक्मणी स्वयंवर में हम एक शादी करवाता है, वो कैसे है, डाउरी फ्री मैरिज। हमारा धर्म में आप देखो, इस्लाम धर्म में वो लोग पांच दफे नमाज पढ़ता है, और ईसाई हर एक संडे को चर्च में जाता है, लेकिन हम हिंदू लोग कैसे हैं, हिंदू लोग बुलाते ही तो भी वो आई गॉट अपॉइंटमेंट, अभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी खाली डिसअपॉइंटमेंट है। इसलिए हम लोगों को भी हमारा धर्म जरूरी है, आप लोग ये, इसलिए ये चर्चा सब आप करने का। अभी हमारा मेन, मैं जरा शॉर्ट में आपको बताता है, तीन बात है, अन्नदान, जीने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न खाने के लिए क्या चाहिए, रहने का व्यवस्था चाहिए, रहते ही तो बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसलिए अन्नदान, अन्नदान मीन रोटी कपड़ा मकान, ये धार्मिक है, उसमें वो पॉलिटिकल में लेके गया, लेकिन उधर कुछ करता है नहीं, हम करेगा कभी करेगा, हमारे इधर कितना बरस हो गया, कभी करेंगे, देखो मैं उसमें श्रद्धा नहीं लेता है, ये पढ़ने का आपने धार्मिक काम करने का। अभी श्री कृष्ण कैसा था, आप बोलते हैं हमको बहुत दुख है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का माँ देवगी कहाँ रहा, जेल में था, आप बोलेगा अरे देखो हमारा ये घर में एसी नहीं है, लेकिन देवगी कहाँ थे, जेल में थे, और उसका हालत आप देखो, हर एक बच्चे को कंस के हाथ में देना, वो उसको सत्यानाश करेंगे, डर के मेरा बच्चे को, लेकिन आकाशवाणी था तुम्हारा, तुमको एक बालक आ जाएगा, वो कंस को सत्यानाश करेगा, तुम्हारे लिए अच्छा जरूर करेंगे, इसलिए एक चले जाते ही तो भी दूसरा मिलेगा, वो करेंगे कष्ट उनके सामने, उसको खत्म करते ही तो भी उसको श्री कृष्ण मिला, वो बहुत अंधेरा रात में, यह सब आपको मालूम है, वो बताया भी है, वो समय कृष्ण को सिर में लेके बरसात में नदी पार करके गया, ये सब कितना सुंदर कहानी है, ये समय आपको बोल नहीं सकता है, हमको हमारे लिए कमी, देवकी कितना दुखी थी, लेकिन आपको इतना दुख नहीं है, आपको कृष्ण आप कितना प्यार करता है, प्यारा कृष्ण मिलने के लिए हर एक माँ को बहुत तकलीफ होना जरूरी होता है, इसलिए कृष्ण मिला, वो कहानी आप सुनिए कितना ये है। अभी कृष्ण दूसरा क्या है, अन्नदान, और दूसरा क्या होता है, विद्यादान, विद्यादान माने सबको ज्ञान देना, उसका मतलब वेद, वेद स्वरूप ही है भगवान, विद्या माने ईश्वर को देना, सरस्वती को देना, अगर विद्या नहीं हो तो अंधकार में होएगा, अंधकार का मतलब क्या है, दर्द है, दुख है, सब खराब है, उसको कहते हैं अंधकार, अंधकार को हटाने के लिए दीप चाहिए, वो दीप है हमारा वेद, ज्ञान, ज्ञान होते तो उसका कहते हैं विद्यादान, विद्यादान सबको पढ़ाई होना चाहिए, माँ बाप को नमस्कार करने से देख के सारा विश्व को अंदर लेना, सूर्य को आप देखा, लेकिन सूर्य उदय और सूर्य अस्तमय हमारा संकल्प है, सूर्य उदय नहीं होता है, अस्तमय नहीं होता है, हमेशा खड़ा रहते हैं और पृथ्वी ऐसा घूमते हैं, इसीलिए हमको मिलता है। अब सूर्य उदय देखा आपने, फिर आंख बंद करके आप देख लेना, सूर्य उदय है आपका अंदर, सूर्य उदय है वो, आप रात में देखो, दिन में देखो, घर में देखो, बाहर देखो, कहां भी देखो, और बिस्तरे के अंदर बैठ, अंदर जाके आंख बंद करके आप देखो, वहां भी सूर्य है, इसे दो सूर्य होता है, एक बाहर का सूर्य और एक अंदर का सूर्य, बाहर का सूर्य को नमस्कार करके करके, सूर्य नमस्कार करके करके, अपने लिए अंदर एक हमेशा
आपको आशीर्वाद देता है, सूर्य आपको मिलेगा, वो विद्यादान। फिर क्या है, कन्यादान। अभी देखो यह कि लड़की का शादी करके भेजने के लिए कितना तकलीफ है। रुक्मणी स्वयंवर में रुक्मणी को अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिला और थाम थूम से नहीं था। उसने कृष्ण को, आप कहानी सब आपको मालूम है, कष्ट, उसने ऐसा चिट्ठी भेजा, आदमी को दे दिया, वो दे दिया देव, आज मेरा आप लेके जाता नहीं तो आपको हमने देखा नहीं है, आपको ये कोई संबंध नहीं है, लेकिन सारा विश्व के अंदर आपका जैसा एक आदमी को मुझे देख, मुझे सुनने को नहीं मिला, आप मुझे देख लेना, आपके बिना मेरे लिए कोई जिंदगी नहीं चाहिए, आप लेके जाना। तभी श्री कृष्ण ने उनको लेके गया। क्यों लेके गए, हम लोग बोलते हैं से हम लोग माने वनिता लोगों को वो आक्रम करता है, ये करता है, वो करता है, सब करता है, ऐसा पालन पोषण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा इतना हजार उनको पत्नी थे नहीं, कम से ने कितना औरत लोगों को जेल में रखा, श्री कृष्ण ने सबको बाहर कर दिया और अनाउंसमेंट किया क्या है, ये सबको मेरा पत्नी को जैसा रानी के जैसा इज्जत देना, समान में हमारा देश के अंदर कितना लाखों औरत लोग आज भी अपना शरीर फेंक के जिंदा रहता है। हम लोग आगे जाने का बोलना, रुक्मणी स्वयंवर पढ़ने के समय एक लड़की का शादी करने के लिए सुनने वाला वो तैयार कर देना। मैंने अभी कितना शादी हो गया, 108 शादी का, परसों था इधर ये भावो सप्ताह, अभी अलकाताई को इधर बुला के बैठ के उनके सामने शादी करने का मेरा विचार था, लेकिन क्या करेंगे, ये समय में वो आगे आगे पीछे भाग जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है। मैंने बोला आप आराम से घर में बैठ के सबके साथ करना, और इधर इसके बाद इधर आएंगे वो आपके सामने हम लोग शादी करवाएंगे। इधर शादी था, शादी के लिए कितना माँ बाप और एक विटनेस, इतना करके चार पांच आदमी थे इधर शादी के लिए, शादी कर दिया। अभी डाउरी फ्री मैरिज, शादी करने के लिए हमारा इतना सोना चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, नथिंग डूइंग, एक लड़की के साथ रहने के लिए हिम्मत है तो शादी करो। शादी करने के बाद दारू भी के उसके हाथ ऊपर हाथ तोड़ाई तो तंगड़ी तोड़ेगा, ये तो मंत्र है। और लड़की भी इज्जत दे देना, कपड़ा बकेट में डाल के इसको साफ करके आयन करके रखो करके आर्डर देते ही तो थप्पड़ दे देंगे। इसलिए आपस में इज्जत से प्यार से रहना, फादर इन ला और मदर इन ला नहीं चाहिए। शादी के पहले एक बाप और एक माँ, शादी करने के बाद दो बाप और दो माँ, फादर इन ला और मदर इन ला यूरोपियन लाया है, हमको वो नहीं चाहिए। हमारे लिए दो माँ और दो पिताजी ये होना चाहिए। हमारे लिए शादी माने एक पवित्र ये है, वो पैसा देके भेजने का, लड़की को भेजने का नहीं और उसको एक्सपोर्ट करने का नहीं। मैं इसके तरह मुंह खोलते तो मेरे याद में बहुत दुख आता है, ये नहीं होने का। अभी हमने आप लोग सब मिलते हैं तो हजारों शादी हम लोग को करने के होता है, हर एक जगह में फागो सप्ताह करने के समय एक लड़की का कम से कम मिनिमम एक लड़की का डाउरी फ्री मैरिज हम कराएंगे। ऐसा सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने अपना गले में लगाया, आज एक आदमी अच्छा स्टेटस में है, दूसरा गरीब है, देखते ही तो बोलेगा अरे उसको जाने के बोलो, वो पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं है, नहीं वो अपना नहीं, अपना साथ जो पड़ा है वो तकलीफ में होते ही तो उसको पाव थोके वो तीर्थ लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हिम्मत था। इसीलिए कृष्ण को हम मानते हैं, कृष्ण पुआ जगह शब्द नक्षण निर्वृदेवा जगह, कृष्ण का अर्थ है पृथ्वी आकाश शब्द ब्रह्म, ये तीनों मिलते ही तो श्री कृष्ण हो जाता है। श्री कृष्ण माने हाँ आदमी का परिवर्तन होना चाहिए, हर एक शब्द को